क्या आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ को कुछ भी पहने हुए देखा और उसी को ही लेटेस्ट फैशन या ट्रेंड समझकर आग बन करके उसको फॉलो करने लग गए बिना ये सोचे समझे कि वो आउटफिट आपके फेशियल फीचर्स या आपके फिजिक पर जचेगा या नहीं, वो उस पर सूट करेगा या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रूपम्स फैशन। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक्स बताने वाली हूँ जिनको सुनकर आपको ये हेल्प मिलेगी कि किस तरह की नेकलाइंस आपके बॉडी टाइप पर सूट करती हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सही नेकलाइंस को चुनने के लिए आज मैं आपको चार फैक्टर्स बताऊंगी। सबसे पहले आपका फेस शेप। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके फेस का शेप कैसा है और ये जानने के लिए मेरा लास्ट वीडियो हाउ टू मेजर योर फेस शेप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली फेस शेप है क्या। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाइए और ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आता है आपका नेक शेप कि आपकी नेक कैसी है। आपकी नेक मोटी है या पतली है, छोटी है या बड़ी है। एक नेक लाइंस डालने से आपकी जो छोटी नेक है वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, नेक लाइंस एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपकी छोटी नेक कंपैरेटिवली बड़ी दिखती है और मोटी नेक्स आपकी पतली दिखने लगती है। तो ये इस पर भी डिपेंड आपकी नेक लाइंस इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका जो नेक का शेप है वो कैसा है। थर्ड आता है आपका शोल्डर। आपके शोल्डर कैसे हैं, किसी के ब्रॉड होते हैं तो किसी के नैरो होते हैं। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं कि जो नहीं चाहते कि ऐसी कोई नेकलाइंस डाले कि आपके ब्रॉड शोल्डर और ज़्यादा ब्रॉड दिखने लगें। नेक्स्ट आता है आपका बस्ट एरिया। कुछ नेकलाइंस ऐसी होती हैं कि जिनको डालने से आपका जो बस्ट एरिया है वो और ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाता है और ज़्यादा बड़ा दिखता है, जो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है आपके बॉडी टाइप के लिए। और कुछ नेकलाइंस ऐसी होती है कि जो आपका बस्ट एरिया है वो ज़्यादा बिगर ना दिख करके कंपैरेटिवली स्मॉलर दिखता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इन सारे फैक्टर्स को मिला के आपको किस तरह की नेकलाइंस डालनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वी नेकलाइंस की। वी नेकलाइंस का बेसिकली पर्पज़ होता है आपके टोर्सो को स्लिम दिखाना। इसलिए अगर आपका फेस राउंड है या स्क्वायर शेप में है या आपकी जो नेक है वो मोटी है तो वी नेकलाइन उसके लिए बेस्ट है। वी नेकलाइन का काम होता है आपकी जो नेक है और आपका जो फेस है उसको एसेंचुएट करना, उसको बड़ा दिखाना, जिससे आपका बैलेंस बना रहता है। आपके अगर ब्रॉड शोल्डर हैं या हैवी बस्ट एरिया है तो वी नेकलाइन उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्स्ट्रा स्लिम वाले वी नेकलाइन को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ऐसा कोई भी शेप जिसमें कट्स होते हैं लाइक डायमंड शेप एंड स्क्वायर शेप, उसके साथ राउंड नेक बहुत अच्छे से जाएगा क्योंकि ये उसको बैलेंस करता है, आपके नेक और आपकी नेक लाइंस को बैलेंस कर देता है और एक स्मूथ इफेक्ट देता है। वहीं अगर आपकी नेक छोटी है तो उसके साथ राउंड नेकलाइन नहीं जाएगा क्योंकि आपकी नेक तो ऑलरेडी बहुत छोटी है, ऊपर से अगर आप राउंड नेकलाइन डाल देंगे तो वो कंपैरेटिवली और छोटी दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं शोल्डर्स की तो ब्रॉड शोल्डर्स के लिए ये नेकलाइन परफेक्ट है क्योंकि ये आपके शोल्डर्स को ढक करके रखता है जिससे आपके शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉड नहीं दिखाई देते। बस्ट लाइन की बात करते हैं तो जो हैवी बस्ट लाइन है प्लीज़ राउंड नेक लाइन को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपके बस्ट एरिया को और ज़्यादा एग्जेजरेट कर देता है। नैरो बस्ट वाले के लिए, मीडियम या स्मॉल बस्ट एरिया वालों के लिए ये नेकलाइंस बेस्ट है। अब हम बात करते हैं स्कूप नेकलाइंस की। स्कूप नेकलाइंस मतलब बिग राउंड नेकलाइंस। बिग राउंड नेकलाइंस, स्कूप लाइंस, ये एक यूनिवर्सल नेकलाइंस है जो मैक्सिमम सभी बॉडी टाइप पर या सभी फेस शेप पर बहुत अच्छी लगती है। बस जिसका बहुत ज़्यादा चबी फेस है या नेक बहुत ज़्यादा मोटी है वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रॉड शोल्डर या नैरो शोल्डर दोनों पर ये परफेक्ट जाएगा। अब हम बात करते हैं बस्ट एरिया की। ये जो नेकलाइन है ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे आपका जो बस्ट एरिया है वो कंपैरेटिवली कम दिखाई देता है, तो इसीलिए नैरो बस्ट वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनकी हैवी बस्ट एरिया है और वो ये चाहते हैं कि उनका जो बस्ट एरिया है कंपैरेटिवली कम दिखाई दे तो ये नेकलाइन उन लोगों के लिए परफेक्ट है। स्वीट हार्ट नेकलाइंस।
स्वीट हार्ट नेकलाइंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है क्योंकि ये आपके फेस स्ट्रक्चर को बहुत प्रिटी फ्रेम करता है। ये हर तरह के फेस शेप पर जाती है, लेकिन डायमंड कट और स्क्वायर कट वालों के लिए अमेजिंग है क्योंकि ये आपके सारे एजेस को सोफन कर देती है और एक बैलेंस क्रिएट करती है। हर तरह के नेक पर ये लाइन जाती है और चाहे आपके शोल्डर ब्रॉड हो या नैरो हो, दोनों पर ही ये कमाल का काम करती है। अब हम बात करते हैं बस्ट एरिया की। हर तरह के दोनों तरह के बस्ट एरिया, चाहे वो मीडियम साइज़ हो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो, दोनों पर ही ये जाएगा क्योंकि ये नेकलाइन अपने आप में ही इतनी अच्छी है कि सारा अटेंशन खुद ही ले लेती है, कहीं और जाने ही नहीं देती। स्क्वायर नेकलाइंस, स्क्वायर नेकलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है क्योंकि स्क्वायर शेप में ऑटोमेटिकली एजेस हैं, तो एजेस वाले फेस शेप लाइक डायमंड फेस शेप एंड स्क्वायर फेस शेप, ये वाले लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एजेस हो जाएंगे, यह भी एजेस हो जाएंगे, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए ओवल, राउंड एंड लॉन्ग, इन तीनों तरह के फेस शेप वालों के लिए ये नेकलाइंस बहुत ज़्यादा आइडियल है। शॉर्ट नेकलाइंस वालों के लिए ये नेकलाइंस बहुत ज़्यादा आइडियल है क्योंकि ये आपके नेक को और ज़्यादा एसेंसुएट कर देगी, जिससे एक बैलेंस बना रहेगा। शोल्डर की बात करते हैं तो ये नेकलाइंस ब्रॉड शोल्डर वालों के लिए नहीं है, नैरो शोल्डर वालों के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपके शोल्डर थोड़े से ब्रॉड दिखाई देते हैं। अगर हम बस्ट लाइन की बात करते हैं तो हर तरह की बस्ट लाइन के लिए परफेक्ट है। ये आपको डिसाइड करना है कि जो इसका डेप्थ है वो कितना होना चाहिए। बोट नेकलाइन बहुत ही ट्रेंडी नेकलाइन है और बहुत ही फ्लैक्सिबल भी है। ये हर तरह के आउटफिट लाइक वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न या ट्रेडिशनल, हर तरीके के आउटफिट पर हम इसको डाल सकते हैं। बोट नेकलाइन हर तरह के फेस शेप पर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनकी नेक छोटी है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये नेकलाइन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे आपकी नेक कंपैरेटिवली छोटी दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं शोल्डर्स की तो ये नेकलाइन आपके शोल्डर को एग्जेजरेट करता है और ज़्यादा ब्रॉड दिखाता है, तो ये नेकलाइन नैरो शोल्डर वालों के लिए परफेक्ट है, ब्रॉड शोल्डर वाले इसको अवॉइड कीजिए। अब हम करते हैं बस्ट एरिया की बात। ये नेकलाइंस आपके बस्ट एरिया को भी एग्जेजरेट करती है जिससे आपका बस्ट लेवल और ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए नैरो बस्ट वाले ही पहने। अब हम बात करते हैं कॉलर नेकलाइंस की। कॉलर नेकलाइंस अपने आप में बहुत ट्रेंडी है और हर किसी के पास ये किसी ना किसी आउटफिट में ज़रूर मिलेगी, तो कॉलर नेकलाइंस हर किसी शेप में, हर किसी के फेस शेप के अकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन ओवल शेप और डायमंड शेप वालों के लिए परफेक्ट है। नेक की बात करते हैं तो छोटी नेक वाले इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि छोटी नेक, कॉलर नेक छोटी नेक को और छोटा कर देता है, लॉन्ग नेक वालों के लिए ये परफेक्ट है। शोल्डर की बात करते हैं तो नैरो शोल्डर के लिए ये एक हार्मनी क्रिएट करता है और एक बैलेंस क्रिएट करता है। स्मॉलर और मीडियम बस्ट को ये एसेंचुएट करता है और एक बैलेंस क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं ऑफ शोल्डर नेकलाइन की। ऑफ शोल्डर नेकलाइन बेसिकली आपकी हाइट को डिवाइड कर देता है, इसलिए अगर आपका फेस लॉन्ग है, आपकी जो नेक है वो लॉन्ग है और जो आपका शोल्डर है अगर वो नैरो है, तो ये नेकलाइन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये नेकलाइन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपके जो शोल्डर हैं वो उनको ब्रॉड कर देता है और आपके बस्ट एरिया को एसेंचुएट कर देता है, इसीलिए स्मॉलर और मीडियम बस्ट वालों के लिए ये नेकलाइन परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं काउल नेक की। काउल नेक किस शेप में कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है कि वो आगे से कितना डीप है। अगर आपका फेस लॉन्ग है, नेक भी लॉन्ग है, तो ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका फेस भी छोटा है और आपकी नेक थोड़ा राउंड है, तो इसको आप डीप में लीजिए। डीप में लेने से ये आपकी नेक को एसेंसुएट करेगा और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आप कंपैरेटिवली लंबे दिखे, आपकी नेक ज़्यादा लंबी दिखेगी और एक बैलेंस क्रिएट करेगी। वहीं अगर आप बस्ट एरिया की बात करते हैं तो क्योंकि ये नेकलाइन आपके बस्ट एरिया पे ही घूमता रहता है, तो इसीलिए हैवी बस्ट एरिया वाले इसको इग्नोर कीजिए, अदरवाइज नैरो शोल्डर वालों के लिए ये परफेक्ट नेकलाइन है।
अब हम बात करते हैं हॉल्टर नेकलाइंस की। ये नेकलाइंस बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही स्टाइलिश है, लेकिन इसकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन से मतलब, क्योंकि ये सभी चीज़ों को एक्सपोज करता है, तो आपकी नेक, आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स तीनों ही टोन होने चाहिए और परफेक्ट बैलेंस में होने चाहिए, क्योंकि ये बस्ट एरिया को भी हाईलाइट करता है। इसलिए स्मॉलर बस्ट वाले या मीडियम बस्ट वाले ही इस नेकलाइन को पहने, हैवी बस्ट साइज वाले इसको इग्नोर कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।